नमस्कार दर्शक मित्रों, दिवसभर की 20 महत्वपूर्ण खबरों साथे सुपर 20 में हूं जय पटेल आपनू स्वागत करू छूं। बुलेटिन की शुरुआत करीशुं नेशनल खबरों की साथे। तो सेडिशन लॉ एटले के राजद्रोह कायदा ने सुप्रीम कोर्टे अंग्रेजोना समयनो कायदो गणावीने केन्द्र सरकार सामे सवाल उभा कर्या छे। सुप्रीम कोर्टे गुरुवारे केन्द्र सरकार ने पूछ्युं हतुं के आजादीना 75 वर्ष पछी पण देश में आ कायदानी शी जरूर छे। कोर्टे एवुं पण कह्युं हतुं के संस्थाओना संचालन माटे आ कायदो खूब जोखमी छे। आ अधिकारी कायदा खोटो उपयोग करने मोटी ताकत आपे कोई नी जवाबदारी होती नहीं। तरह कोर्टे कहूत कि अमे आ कायदा की योग्यता की तपास करीशू। कोर्टे केन्द्र सरकार ने कहूत कि आर्मी ऑफिसर की अरजी पर जवाब आपे, जेमा ऑफिसरे कहूत कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलवा आजादी पर आ कायदा की खूब खराब असर थी रही है। आ मामले घनी अरजीओ दाखिल कर दरेक केस की सुनावणी कराशे। इंग्लैंड प्रवास पर गयेली टीम इंडिया ना कोरोना की झपेट में आ गई है। विकेटकीपर ऋषभ पंत सहित बे खिलाड़ियों कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आव्यो हतो। हवे सूत्रों द्वारा मळती माहिती अनुसार सपोर्ट स्टाफ मांथी एक नो कोरोना रिपोर्ट पण पॉजिटिव आव्यो छे, जेने पगले त्रण स्टाफ मेंबर्स ने आइसोलेट कराया छे। आ तरफ खिलाड़ियों रिपोर्ट नेगेटिव पण आवी गयो छे, ज्यारे पंत आइसोलेशन में छे। 18 जुलाई ना रोज तेनो बीजो टेस्ट कराशे। हाल तेनामां कोई लक्षण नहीं। जाणवामां आवी रह्युं छे के बंने खिलाड़ी अमुक दिवस पहला ज भीड़भाड़वाळा विस्तार में गया हता। बंने खिलाड़ियोने वेक्सिननो प्रथम डोज ज लाग्यो छे। तमाम खिलाड़ियोने वेक्सिननो बीजो डोज इंग्लेंडमां ज अपाशे। त्यारे लंडनमां परिवार साथे रजाओ माणी रह्या हता खिलाड़ियो। केप्टन विराट कोहली अने रोहित शर्मा सहित घणा खिलाड़ियो परिवार साथे इंग्लेंड गया छे। अहीं तेमणे 14 जुलाईना रोज टीम साथे जोडावानुं छे। वर्ल्ड टेस्ट चेम्पियनशीपनी फाइनल 23 जून ना रोज रमाया बाद खिलाड़ियों परिवार साथे रजाओ माणी रह्या छे। बीसीसीआई अधिकारियों ना जणाव्या मुजब टीम ना मोटा भागना खिलाड़ियों लंडन नी आसपास ज रह्या छे अने परिवार साथे समय वितावी रह्या छे। त्यारे इंग्लेंड ना त्रण खिलाड़ियों ने पण संक्रमण लाग्यो। पाकिस्तान सामेनी वनडे सीरीज ना मात्र बे दिवस पहला एटले के 6 जुलाईए इंग्लेंड ना त्रण खिलाड़ी सहित 7 लोको पॉजिटिव आव्या हता। आ पछी दरेक ने आइसोलेट करी देवाया छे। અને પાકિસ્તાન સામેની પહેલી મેચમાં આખી નવી ટીમને ઉતારવામાં આવી હતી, જો કે હવે બધા ખેલાડીઓ બરાબર છે। કાશીને ક્યોટો બનાવવાની દિશામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વારાણસીમાં 1475 કરોડની યોજનાઓ લોન્ચ કરી છે। અહીં પીએમએ જાપાન અને ભારતની દોસ્તીના પ્રતીક સમાન રુદ્રાક્ષ કન્વેન્શન સેન્ટર સહિત કુલ 1475.20 કરોડની યોજનાઓનું લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ કર્યો છે। મોદીએ આ પ્રસંગે યુપીના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથના કાર્યોની પ્રશંસા કરી હતી। પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે બનારસના વિકાસ માટે જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે તે મહાદેવના પ્રસાદ અને લોકોના સહયોગથી ચાલુ છે। મુશ્કેલ સમયમાં પણ કાશીએ બતાવ્યું છે કે તે અટકતી નથી અને થાકતી પણ નથી। રુદ્રાક્ષ કન્વેન્શન સેન્ટર માટે જાપાને 186 કરોડ રૂપિયાની આર્થિક મદદ કરી હતી। વર્ષ 2015માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને જાપાનના તાત્કાલિન વડાપ્રધાન શિન્ઝો આબેએ તેમના વારાણસી પ્રવાસ દરમિયાન તેનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો। કાશી કી માં ગંગા કી સ્વચ્છતા ઓર સુંદરતા हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। पंचकोशी मार्ग का चौड़ीकरण पूरा होने से श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी और इस मार्ग पर पड़ने वाले दर्जनों गांवों का जीवन भी आसान बनेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश ना प्रवास पर आवेला एआईएमआईएम ना चीफ असदुद्दीन ओवैसी ए राज्य की योगी सरकार द्वारा सूचित पॉप्युलेशन कंट्रोल पॉलिसी ने केंद्र सरकार ना निर्णय विरुद्ध नी गणावी। તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્રની મોદી સરકારે ડિસેમ્બર 2020માં
सुप्रीम कोर्ट में पोताना सोगंदनामा में जणाव्यु छे के आंतरराष्ट्रीय अनुभव सूचवे छे के आ वस्ती विषयक विकृति पैदा थई शके छे। आ तरफ पोताना निवेदन में पोताने लैला गणावी योगी ने मजनू पण कही दीधा हता कि आप शादी इस उम्र में करिए, एक बच्चे के पास स्पेस दीजिए, तीसरा हमने एजुकेशन का इंतजाम किया। ये इस बात पर योगी की सरकार का कुछ ताल्लुक ही नहीं है कि हेल्थ के मामले में योगी सरकार तो उत्तर प्रदेश जनता को धोखा दिया है। जनसंख्या कायदा ने लई विविध राजकीय नेताओं ना निवेदन सामे आवी रह्या छे, त्यारे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंहे पण वस्ती नियंत्रण कायदा अंगे पोतानो मत प्रगट कर्यो छे। दिग्विजय सिंहना मते वस्ती वधारा माटे देशमां गरीबी ज सौथी मोटुं कारण छे। कांग्रेसना सांसद दिग्विजय सिंहे कह्युं के शिक्षित लोकोमां 2-3 करता वधारे बाळको क्यां होय छे, गरीबी एनुं मुख्य कारण छे। जो तमे गरीबीने नाबूद करो तो आपमेळे वस्ती नियंत्रणमां आवशे। आ साथे तेमणे भाजप पर निशान ताकता कह्युं, મેં 2000માં જ વસ્તી નિયંત્રિત નીતિ બનાવી હતી અને તેને 21 વર્ષ પછી સમજી રહ્યા છે। યે તો ગરીબી ઇસકા પ્રમુખ કારણ હૈ, ગરીબો મે જનસંખ્યા જ્યાદા હોતી, ઇસમે કોઈ હિન્દુ મુસલમાન યો કુછ નહીં હૈ। ગરીબી મિટાઓગે અપને આપ જનસંખ્યા નિયંત્રિત હો જાયેગી, શિક્ષિત કરોગે અપને આપ જનસંખ્યા નિયંત્રિત હો જાયેગી, ઉનકે સ્વાસ્થ્ય કી સેવાએ ઉનકા જો પોષણ है कुपोषण समाप्त करोगे जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। और जहां तक इस बात का सवाल है, मैंने तो सन 2000 के अंदर ये नीति बना दी थी, इनके तो 21 साल बाद समझ में आ रही है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू वच्चे शुरू थयेलो विवाद शांत थई रह्यो होय तेवुं लागी रह्युं छे। मोटा बदलाव पर सर्वानुमते पक्षना नेताओए नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की कमान आपवानो निर्णय कर्यो छे। एज समय तेमना नेतृत्व में अनुसूचित जाति और एक सवर्ण हिंदू ने कार्यकारी प्रमुख पद आपीने अकाली दल और मायावती वच्चे जोड़ाणनी हवा ने दूर करवानी पण फॉर्म्यूला कांग्रेस मोवड़ी मंडले तैयार कर लीधी छे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोनिया गांधी साथेनी मुलाकात बाद आ फॉर्म्यूला बनावामां आव्यो हतो, जेनी साथे कैप्टन अमरिंदर सिंह पण सम्मत होवानुं जाणवा मळे छे। एज समय पार्टी वर्तमान प्रमुख सुनील जाखर ने टूंक समय में केन्द्रीय टीम में मोटी जवाबदारी सौंपवामां आवी शके छे। आ फॉर्म्यूला प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी वच्चे की बैठक बाद तैयार करवामां आवी होवानुं सामे आवी रह्युं छे अने सिद्धू पण उकेल थी खुश होवानुं जणाय छे। त्यारे पंजाब की जमीन की परिस्थिति विषे माहिती आपता प्रशांत किशोरे पार्टी हाईकमांड ने कह्युं हतुं के विधानसभा की चूंटणी जीतवा माटे पार्टी ने बंने टोचना नेताओनी सखत जरूर छे। पार्टी आ बंने वच्चे सत्तानु संतुलन उभु करीने बंने नेताओना अनुभवनो लाभ लई शके छे, एने ध्यानमां राखीने नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाबनी कमान आपवानो निर्णय लेवामां आव्यो छे। प्रशांत किशोर द्वारा सोनिया गांधीनो आ निर्णय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहोंचाडवामां आव्यो हतो, जे कैप्टननी पहेलेथी ज खूब नजीक छे अने पंजाबने जीतवानी व्यूहरचना बतावे छे। हरियाणा गृहप्रधान और भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता अनिल विजे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने वारंवार पक्ष बदलवा ने बदले पोतानो राजकीय पक्ष रचवा सूचन करे छे। हाल पंजाब ना मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू वच्चे अणबनाव चाली रह्यो छे अने तेने लई दिल्ली हाईकमांड सुधी वाटाघाटो थई रही छे। कांग्रेस नेतृत्व साथ श्रेणीबद्ध बैठक कर्या पछी पण तेनो उकेल मळ्यो नथी। हकीकत में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू जे पंजाब ना मुख्य प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह विरुद्ध मोर्चो खोली ने बैठा छे, तेमणे विपक्षी आम आदमी पार्टी नी प्रशंसा करी हती। श्रेणीबद्ध ट्वीट में तेमणे कह्युं हतुं के आम आदमी पार्टीए पंजाब माटे मारा काम अने दृष्टि ने हमेशा मान्यता आपी छे, पछी भले तेओए ड्रग्स अने मारा द्वारा 2017 पहला उभा करायेला खेडूतोना मुद्दाओ होय के पछी होय वीज संकटनो मुद्दो, बस आज निवेदन ने लईने विजय सिद्धू ने आ सूचन कर्युं हतुं। देखो सिद्धू कौन सी पार्टी में जाएगा कौन सी में नहीं जाएगा ये उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मेरी उसको राय है कि वो बार बार अलग अलग पार्टियों में जाके पार्टियों को खराब ना करे। अच्छा ये है कि वो अपनी अलग से ही पार्टी बना ले। अपस्किलिंग अने रीस्किलिंग ए मेक इन इंडिया अने आत्मनिर्भर भारत ना मुख्य बे पाया छे। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021 ना दिने संबोधन करता पीएम मोदीए आ वात करी हती।
युवा वर्ग जयरे कमा तरफ आगे तरह शीखवा धगस नो अंत न आवो जइए तम कहता पीएम मोदी कोविड 19 की कटोक ने गंभीरता ले शीख आप स्किल इंडिया ए सरकार द्वारा 2015 में शुरू करायेल एक पहल है जो 40 करोड़ थी वधु भारतीय ने विविध उद्योग संबंधित नौकरियों में तालीम आपवा माटे छे। तेनो उद्देश्य विविध योजनाओं अने तालीम अभ्यासक्रमों की मदद थी 2022 सुधी में एक सशक्त वर्कफोर्स बनावानो छे। हमारे पूर्वजों ने स्किल्स को महत्व देने के साथ ही उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया, स्किल्स को समाज के उल्लास का हिस्सा बना दिया। आप देखिए, हम विजयादशमी को शस्त्र पूजन करते हैं, अक्षय तृतीया को किसान फसल की कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं, भगवान विश्वकर्मा की पूजा तो हमारे देश में हर स्किल हर शिल्प से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व रहा है। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक बाबतों की कैबिनेट समिति बुधवार 54,666 करोड़ ना विशेष पशुधन क्षेत्र ना पैकेज ने लागू करने की मंजूरी आपी है। आ पैकेज पशुधन क्षेत्र विकास ने वेग आपवा अने त्यां पशुपालन ने वधु मेहनताणु वधारवा माटे आगामी 5 वर्ष माटे भारत सरकार की योजनाओं विविध घटकों में सुधारो करीने अने तेने फरीथी गोठवीने लागू करायो छे। सीसीईए आ अनुसार पशुपालन क्षेत्र रोकायेला 10 करोड़ खेडूतों ने पैकेज नो लाभ मळशे अने आ पैकेज 5 वर्ष कुल समयगाळा दरमियान 9,800 करोड़ जेटलू केन्द्र सरकार टेका ने फायदो मेळ्यो छे। योजना आशरे 8,900 बल्क मिल्क कूलर की स्थापना तरफ लक्ष्य राखे छे, तो जेनो सीधो लाभ दूध उत्पादकों ने पूरो पाडवामां आवशे अने 20 LLPD दूध वधुमां प्राप्त करवामां आवशे। चाहे देसी गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सुअर की प्रजातियां हो, इनको आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा, जिससे हमारे पशुपालकों को लाभ भी मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। आउटपुट और आउटकम के आधार पर इनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, जिससे कि योजनाओं का व्यय जो है वो उस दिशा में हो कि पशुपालकों की आय का आय भी बढ़ सके। आ वर्षे पण देवभूमि उत्तराखंड में कावड़ यात्रा रद्द करवामां आवी छे। उत्तराखंड सरकारे कोरोना ने कारण आ निर्णय लीधो छे। जो कि उत्तराखंड ने अड़ीने आवेली उत्तर प्रदेश की सरकार इच्छे छे कि कावड़ यात्रा बंद न थवी जोईए। जो कि बे प्रदेशों वच्चे ना मतभेदों में हवे उत्तराखंड ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नुं निवेदन सामे आव्युं छे। एक तरफ ज्यां मामलो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन छे, त्यां धामीए कह्युं छे कि लोकोनी प्राथमिकता सर्वोपरि छे अने आथी ज कावड़ यात्रा बंद राखवानो तंत्र द्वारा निर्णय लेवामां आव्यो छे। सुप्रीम कोर्टे आ मामले उत्तराखंडना मुख्यप्रधान पुष्कर सिंह धामीना निर्णयनी प्रशंसा करी हती। हवे मुख्यमंत्री पुष्कर कहे छे के लोकोनी सलामती जरूरी हती, अमे उत्तराखंडमां कावड़ यात्रा पहला ज बंद करी दीधी छे जेथी लोको कोरोनानी झपेटमां न आवे। હવે રાજકીય સમાચારો તરફ રૂખ કરીએ તો પીએમ મોદી 16 જુલાઈએ ગુજરાતને આપશે મોટી ભેટ। ગાંધીનગર રેલવે સ્ટેશન અને હોટલનું તેઓ વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કરશે, તો ગાંધીનગર વારાણસી વચ્ચે નવી ટ્રેનને તેઓ લીલી ઝંડી આપશે। બીજી તરફ એક્વાટિક રોબોટિક ગેલેરી અને નેચરલ પાર્કનું પણ લોકાર્પણ કરશે। અમદાવાદમાં સ્થિત ગુજરાત સાયન્સ સિટી કે 3 નવા પ્રોજેક્ટ્સ કા ઈ લોકાર્પણ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। अहमदाबाद शहर में जो गुजरात साइंस सिटी 250 एकड़ के विशाल परिसर में बनी है, वहाँ 3 नए प्रोजेक्ट्स लगभग 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी एक्वेटिक गैलरी। नवादमा साइंस सिटी की विजिट ने लई कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाड़िया सरकार पर प्रहार किया था। मोढवाड़िया ऊंचा भाव सामे सरकार पर प्रहार करता कहूं कि अमदावाद में साइंस सिटी में विजिट फी में बेफाम वधारो करवामां आव्यो छे। साइंस सिटी में सुविधाओं नाम पर प्रति व्यक्ति
विजिट खर्च में ऊंची फी लगावामां आवी छे जे कुल 1,850 जेटली थाय छे। तो जूनी फी में 100% करता पण वधु वधारो करायो छे जे सामान्य परिवार ने परवड़े तेम नथी। गुजरात सरकारे आ साइंस सिटी ने एक वेपारनुं केन्द्र बनावी दीधुं छे अने हवे आखुं साइंस सिटी जोवुं होय तो लगभग 2,000 रुपया जेटलो खर्च एक बाळक दीठ आपणे करवो पड़े अथवा एक व्यक्ति दीठ करवो पड़े। आ एक प्रकारनी लूंट छे अने जे बाळको आपणा छे ए साइंस सिटीनी अंदर जई न सके एवी परिस्थिति राज्य सरकारे विनंती करी छे। थराधना मेढाणा गामे खेतरमां रहेता माता पुत्रनी हत्या करी देता चकચાર મચી ગઈ છે। આ ઘટનાની જાણ પરિવારને થતા સાસરી પક્ષ અને પિયર પક્ષે સાથે મળીને ફરિયાદ નોંધાવી છે। પોલીસે આ બાબતોની ગંભીરતા સમજી ઘટના સ્થળે પહોંચી હત્યા કોણે કરી અને કેમ કરી તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે। સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં માટી કૌભાંડ બાદ વધુ એક કૌભાંડનો આરોપ કોંગ્રેસ દ્વારા લગાવવામાં આવ્યો છે। કોંગ્રેસના આરોપ મુજબ નેક કમિટીના મૂલ્યાંકન સમયે ગાઈડનીંગ કામ માટે લાખોનો ખર્ચ થયો હતો જેમાં કુંડા મૂકવા બ્યુટિફિકેશનની કામગીરી ફૂલછોડ સહિતની કામગીરી માટે 6 લાખથી વધુ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો। જો કે યુનિવર્સિટી દ્વારા દર વર્ષે ફૂલછોડના જતન માટે 20 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે તેમ છતાં 6 લાખ વધુ ખર્ચવામાં આવતા જે મામલે કૌભાંડની આશંકા દર્શાવાઈ રહી છે। આ અંગે કોંગ્રેસના નેતા નિદત્ત બારોટે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખી તપાસની માંગ કરી છે। સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં નેકનું મૂલ્યાંકન દર 5 વર્ષે આવે એ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોને ખબર હતી। નેક ક્યારે આવશે એની તારીખ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી પોતે જ નક્કી કરીને આપતી હોય છે કે આ 3 મહિના દરમિયાન ઇન્સ્પેક્શન માટે આવું એ પહેલા અમે તૈયારી કરી લીધી છે। તૈયારી કરી લીધી હોય એવું લખીને આપ્યા પછી તૈયારીમાં હવે ઉતાવળ છે એમ કરીને ટેન્ડર વગર કામ કરવાની પ્રક્રિયા થઈ એવું અમારા ધ્યાનમાં હમણાં જ આવ્યું। દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। વલસાડ, ડાંગ અને દાદરાનગર હવેલી સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે જ્યારે મધ્ય ગુજરાતમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડી શકે છે। ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે। डे 1 डे 2 के लिए मोस्टली बारिश रहेगा साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र में। साउथ गुजरात में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट को बारिश होने का संभावना है और हैवी रेन भी, आइसोलेटेड हैवी रेन जैसे बलचार दामन, दादरा नगर हवेली, इवन डांग में भी बारिश होने का संभावना है हैवी रेन। एंड सौराष्ट्र में जूनागढ़, गिर सोमनाथ में भी आइसोलेटेड हैवी रेन होने का संभावना है। लेकिन डे 3 ऑनवर्ड्स बारिश का मात्रा कम हो जाएगा, मोस्टली અમદાવાદની અખંડાનંદ આયુર્વેદિક કોલેજમાં મ્યુકરમાઇકોસિસની સારવાર લઈ રહેલા 20 દર્દીઓનો સર્વે હાથ ધરાયો। તો આ સર્વેમાં સામે આવ્યું કે મ્યુકરમાઇકોસિસના દર્દીઓને આયુર્વેદિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ અપનાવવાના પગલે સારા પરિણામો પ્રાપ્ત થયા છે। મહત્વનું છે કે મ્યુકરમાઇકોસિસના અનેક દર્દીઓને સર્જરી કરાવ્યા બાદ સંતોષકારક પરિણામ ન મળતા તેઓએ આયુર્વેદનો સહારો લીધો હતો। તો ઘણા દર્દીઓએ તો 45 થી 60 દિવસ સુધી બીજે સારવાર મેળવી હતી પણ કોઈ ખાસ ફરક જણાયો નહોતો ત્યારે આ અંગે આયુર્વેદિક ચિકિત્સા તેમના માટે આશીર્વાદરૂપ નીવડી છે। એટલે અમારી પાસે હાલ 20 દર્દીઓ મ્યુકરમાઇકોસિસના સારવાર લઈ રહ્યા છે। આ દર્દીઓ એવા છે કે જે મ્યુકરમાઇકોસિસ થયા પછી તરત અમારી પાસે નથી આવ્યા પણ મ્યુકરમાઇકોસિસ થયા બાદ તેમને ફેસ એટલે ફંક્શનલ એન્ડોસ્કોપિક સાઇનસ સર્જરી કરાવેલ હતી। તત્પશ્ચાત દરેક દર્દીએ સરેરાશ 1.5 થી 2 મહિના વિવિધ પ્રકારની જે આધુનિક સારવાર જેમાં લાઇપોઝોમલ, એમ્ફોટેરેસિન, પોસાકોનોઝોલ વગેરે સારવાર લઈ ચૂકેલા હતા તેમ છતાં પણ કોઈ કારણોસર આ ફંગલ ઇન્ફેક્શન કંટ્રોલ નહોતું આવતું। ધોરણ 10 અને 12ના રિપીટર વિદ્યાર્થીઓની આજથી પરીક્ષા શરૂ થઈ છે। સવારે 10 વાગ્યાથી ધોરણ 12ની પરીક્ષા શરૂ થઈ। અમદાવાદના 140 સેન્ટર પર આજથી પરીક્ષા શરૂ। રિપીટર વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા આવ્યા છે। કોરોનાની ગાઈડલાઈનના પાલન સાથે વિદ્યાર્થીઓને ક્લાસરૂમમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો ત્યારે હિતેન્દ્રસિંહ પઢેરિયા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી પણ હાજર રહ્યા હતા।
कोरोना काल बाद दरेक धंधा रोजगार में फरी पाछा पाटा पर चढ़िया है। तेवामां ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी जोवा मळी रही है। तेवामां वर्ष 2020-21 ऑटोमोबाइल सेक्टर में वेचाण नो ग्राफ सतत वधतो जाय छे। बीजी लहेर वधु घातक होवा छतां पण ऑटोकार अने टू व्हीलर ना वेचाण अने उत्पादन में मोटी रिकवरी जोवा मळी छे। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्युफेक्चरर्स ना आंकड़ा प्रमाणे एप्रिल जून 2020 में 76,000 कार नुं उत्पादन थयुं हतुं, जेनी सामे 2021 में समान गाळा में उत्पादन 470% वधी 4.35 लाख पर पहुंची गयुं। एज रीते वेचाण में पण 321% वधी 80,000 थी वधीने 3.37 लाख नुं वेचाण थयुं छे। या कोरोनानी जे लॉकडाउन पछीनी घणो सारी अत्यारे प्रतिसाद कस्टमर थी मळी रह्यो छे। पहला कार हतुं ए स्टेटस सिम्बोल हतुं, हवे दरेक कस्टमर माटे कार ए पार्ट ऑफ एमनी सेफ्टी, एमनी नेसेसिटी, एमनो ट्रांसपोर्टनुं जरियो बनी गयो छे। हवे सो अत्यारे जे अमारी पासे कस्टमर्स आवी रह्या छे, मोस्ट प्रोबेबली फेमिलीनी एड ऑन बाइंग माटेना कस्टमर्स आवी रह्या छे, जे लोको एमनी सेफ्टी माटे, एमनी फेमिली सेफ्टी माटे एड ऑन एक कार। दुबई थी मुंबई आयात करवामां आवेल रूपया 32 करोड़ना 100 किलो सोनानी दाण चोरीनी तपासनो रेलो गांधीनगर सुधी पहोंच्यो छे। आ केसनी तपासमां डीआरआईए अमदावाद इंटरनेशनल स्कूलना मालिकनी कंपनीमां दरोडा पाड्या छे। गांधीनगरमां सेक्टर 25 खाते आवेली एरेकॉम इंडिया लिमिटेडमां डीआरआई द्वारा तपास हाथ धरवामां आवी छे। आ समग्र केसमां 2 शख्सोनी धरपकड़ करवामां आवी छे। महत्वनुं छे कि दुबई थी मुंबईना एर कार्गो कॉम्प्लेक्स खाते रूपया 32 करोड़ किमतना 100 किलोग्राम गोल्ड पोटेशियम साइनाइड की आयात करवामां आवी हती, जेनी कस्टम ड्यूटी 338 करोड़ रूपया की थाय छे। त्यारे मुंबईना आयातकारे एडवांस लाइसेंस नो लाभ लेवा गोल्ड की आयात करी हती, जेनी बातमी बेंगलुरु अने मुंबई डीआरआई ने थता 32 करोड़ रूपया दाण चोरी सोनू जप्त करवामां आव्युं। अमदावाद शहर धीरे धीरे अपराधीओनું એપી સેન્ટર બની રહ્યું છે, જેનું તાજું ઉદાહરણ અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારમાં હાજી બીબીના ટેકરા પાસે એક 45 વર્ષના વ્યક્તિની જાહેરમાં ચાકુના ઘા મારી હત્યા કરી નાખવામાં આવી। હત્યાના અંજામ આપી આરોપી ફરાર થઈ ગયો હતો। છેલ્લા 3 દિવસમાં શહેરમાં હત્યાના 4 અલગ અલગ બનાવોએ આકાર લીધો છે, ત્યારે પોલીસ અધિકારી દ્વારા ગંભીર અપરાધને અંજામ આપનારા અપરાધીઓ અને ગુનેગારોને પકડવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરાયા છે। घटना स्थल पर दौड़ी आजूबाजू मणसों निवेदन लेता के मणसन नाम रमेश के जेना पूरा नामठाम की खबर नहीं, तेने कोई ईसम तीक्षण हथियार वगे पेटना उपरना भागे इजा कर मृत्यु निपजावी नासी गये प्राथमिक हकीकत जाेल है। आना आधार गायकवाड़ हवेली पोलिस स्टेशन खाते ईपीको कलम 302 जीपी एक 135 मुजब गुनो दाखिल कर आगनी तपास पीआई बलोच कर रहा है। હવે નજર કરીશું 10 આંતરરાષ્ટ્રીય ખબરો ઉપર સંક્ષિપ્તમાં। ઇન્ડોનેશિયા જાણે કે હવે સમગ્ર એશિયાનું કોરોના હોટસ્પોટ બની ગયું છે। ઇન્ડોનેશિયામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 54,570 નવા કેસ નોંધાયા। यूके में पण छेल्ला 24 कलाकमां 42,000 थी वधु नवा केस नोंधाया छे। यूके में डेल्टा वेरियंट हाहाकार मचावी रह्यो छे। स्पेन में छेल्ला 24 कलाकमां 26,390 नवा केस नोंधाया। स्पेन में छेल्ला 48 कलाकमां 70,000 आसपास नवा केस नोंधाया। બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ જેર બોલ્સનારોની તબિયત લથડતા તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા છે। તેઓ 48 કલાક સુધી ક્લોઝ મોનિટરિંગમાં રહેશે। અમેરિકન સૈનિકોના છેલ્લા સમૂહ સાથેનું અંતિમ પ્લેન અફઘાનિસ્તાનની પરત અમેરિકા પહોંચી ગયું છે। હજુ પણ કેટલાક સૈનિકો છે જે અફઘાનિસ્તાન સરકારની પનાહમાં સુરક્ષિત છે। अमेरिकन सैनिकों ने अफगानिस्तान में लीड करनारा जनरल अमेरिका पहुंचता अमेरिका रक्षा सचिव तेमज सेना चीफ ऑफ स्टाफे तेमनु स्वागत कर्यु हतु। यूरोपना वॉचडॉगे स्पष्ट कर्यु छे के वाइडर स्प्रे थई रहेला डेल्टा वेरियंट साथी वर्तमान तमाम रसीना 2 डोज काफी छे, तेनाथी संपूर्ण रक्षण मळी रहेशे।
પાકિસ્તાનમાં થયેલા એક બ્લાસ્ટમાં 9 ચાઇનીઝ નાગરિક તેમજ 3 પાકિસ્તાની નાગરિકોના મોત થયા છે. જો કે ચીને કહ્યું છે કે આ મામલાની બારીકાઈથી તપાસ ચાલી રહી છે. સાઉથ આફ્રિકામાં સતત 6ઠા દિવસે અશાંતિની સ્થિતિ યથાવત રહી છે. સાઉથ આફ્રિકામાં સૌથી મોટા પ્રાચીન સમુદાય ઝુલુ પ્રજાતિના લીડરે શાંતિ માટે અપીલ કરી છે. ઈરાને એક પત્રકારનું અપહરણ કરનાર અમેરિકાના આરોપમાં કોઈ તથ્ય નહીં હોવાનું કહ્યું છે. અમેરિકા સતત ઈરાન પર આ મામલે દબાણ બનાવી રહ્યું છે. દિવસભરના 20 મહત્વના સમાચારો સાથે સુપર 20માં હાલ બસ આટલું. દેશ અને દુનિયાના વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને અમારી વેબસાઇટ લોગ ઇન કરવાનું ચૂકશો નહીં, મંતવ્ય ન્યૂઝ.com. નમસ્કાર.